ओके, तो गाइस जब मैं फॉन्ट वाली वीडियो बनाता हूँ तो वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को छह ऐसे फॉन्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप ही की तरफ से रिकमेंड किया गया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ लिस्ट, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर तीन फॉन्ट करेस्पॉन्ड आप लोगों को यहाँ से देखने को मिला था, वन प्लस मीडियम, वन ई वाई और रोबोटो मीडियम। और यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं तो मिस्टर राज की तरफ से उनके जो टॉप थ्री फॉन्ट है वो देखने को मिलता है, चोको कुकी प्लस प्लस, कूल जैज एंड ऑलवेज विथ यू। तो तीन फॉन्ट यहाँ, तीन फॉन्ट यहाँ दोस्तों देखने को मिलता है, टोटल छः फॉन्ट हो जाता है। और इन्हीं छः फॉन्ट के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उम्मीद करूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक देखने को मिल जाए। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर रोबोटो वाले मीडियम फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और अप्लाई करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ, अगर आप लोगों को भी कोई फॉन्ट पसंद आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए, ताकि जो अगली वीडियो होगी वो दोस्तों मैं आप लोगों को कमेंट को पिक करके जो भी अच्छी फॉन्ट मुझे लगेगी या फिर जिस कमेंट में ज़्यादा लाइक देखने को मिलेगा दोस्तों उस कमेंट को मैं पिक करके अगले फॉन्ट की वीडियो दोस्तों वही होने वाली है। तो फाइनली मैंने रोबोटो मीडियम फॉन्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और गाइस देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद लुक जो हमें देखने को मिलता है थोड़ा काफ़ी डिफरेंट टाइप की लुक देखने को मिल जाता है। तो हर जगह दोस्तों इस फोन को अप्लाई करने के बाद आप लोगों को सारे फोन यहाँ पर कस्टमाइज हो जाता है। अगर आप लोग डायल पैड में दोस्तों जाएंगे तो डायल पैड में कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है, यूआई यहाँ पर इंटरफेस जो देखने को मिलता है। तो रोबोटो वाली मीडियम फ़ोन दोस्तों काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। हर जगह दोस्तों ये फोन यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अगले फोन की दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं तो वन यूआई देखने को मिल जाता है। अब मैं आप लोगों को वन ई वाई वाले फ़ोन यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है, मैं यहाँ पर फ़ोन वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। और वहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को वन ई वाई वाले फ़ोन यहाँ पर दिखा देता हूँ। और मैं इसे भी यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। और अप्लाई करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइल पैड हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। और सेटिंग में दोस्तों हम लोग जाते हैं यहाँ पर, तो सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं सेटिंग में भी यहाँ पर यू आई हमारा चेंज हो जाता है। तो हर जगह दोस्तों ये वाले फ़ोन अप्लाई होता है और ये वाले फ़ोन में दोस्तों काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। इसके अलावा दोस्तों अगले फ़ोन की बात कर लेते हैं तो रोबोटो मीडियम देखने को मिल जाता है। तो रोबोटो मीडियम में तो अप्लाई करते हैं, वन यूआई भी अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों वन प्लस की बात है, वन प्लस मीडियम वाली फ़ोन को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। देखते हैं वन प्लस मीडियम फ़ोन को अप्लाई करने के बाद हमारे फ़ोन में किस तरह की लुक एंड फील देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर वन प्लस मीडियम वाले फ़ोन को अप्लाई कर देता हूँ। और अप्लाई करने के बाद गाइस देख सकते हैं कि वन प्लस जो फ़ोन हमें देखने को मिलता है, आपको पता ही है वन प्लस की जो डिवाइस में जो हमें फ़ोन देखने को मिलता है वो वाले फ़ोन की इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो आपके डायल पैड में देखने को मिलता है। यहाँ पर कीपैड की दोस्तों बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बोल्ड सा लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको सेटिंग में भी लेकर दिखाता हूँ तो सेटिंग वाले पेज में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों आपकी जो फ़ोन अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर भी आप लोग फ़ोन अप्लाई करेंगे, आप लोग किसी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे या फिर दोस्तों किसी एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी ये फ़ोन हमें अप्लाई हो जाता है। इससे अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को ये हमारी हैंडल देखने को मिल जाता है। इस वाले हैंडल पर आकर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितने भी फ़ोन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये फ़ोन को अप्लाई करने पर आप लोग हर जगह इस फ़ोन को अप्लाई कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगली फ़ोन की बता दूँ, यहाँ पर अगली फ़ोन दिखा दूँ यहाँ पर, तो कूल जैज़ अगर फ़ोन को मैं अपने फ़ोन में अप्लाई करता हूँ देख सकते हैं, देखते हैं कूल जैज़ को अप्लाई करने बाद हमारे फ़ोन में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर कूल जैज़ वाले फ़ोन को अप्लाई कर देता हूँ। और गाइस देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद हर जगह हमें जैसा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है वो फ़ोन अप्लाई हो जाता है। और अप्लाई होने के बाद आपके कीपैड में, डायल पैड में कुछ इस तरह से हमें लुक यूआई देखने को मिल जाता है, जो सैमसंग वाली फील हमें देखने को मिल जाता है, तो सैमसंग वाली फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पर भी हमें ये वाले फ़ोन अप्लाई होता हुआ दिख जाता है। और अगर ट्विटर पर भी आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया दोस्तों तो यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, सेम हैंडल आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको सेटिंग में लेकर दिखा देता हूँ और कंट्रोल सेंटर में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में भी हमें जो फ़ॉन्ट है वो अप्लाई हो जाता है और काफ़ी अच्छा लुक दोस्तों हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग को इन सभी फ़ॉन्ट्स में से कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कौन सी फ़ॉन्ट पसंद है। अगले फ़ॉन्ट की बारी आता है दोस्तों ऑलवेज विथ यू। तो जैसा कि नाम है वैसे सपोर्ट दोस्तों आप लोग करिएगा, ऑलवेज विथ यू, मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी हमारे साथ हमेशा रहिएगा। तो इस वाले फ़ोन को दोस्तों हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। मैंने सभी फ़ोन को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। और सभी फ़ोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों। और देख सकते हैं इस फ़ोन को अप्लाई करने के बाद हमारी जो डायल पैड है उसकी जो फ़ोन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, हर जगह दोस्तों फ़ोन अप्लाई होता है कुछ इस तरह से हमें इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि ब्राउज़र वगैरह को भी ओपन करेंगे या फिर दोस्तों आप लोग किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये
वाली फॉन्ट अप्लाई होता हुआ दिख जाता है। तो देख सकते हैं मैं अभी टेलीग्राम को ओपन किया हूँ, और टेलीग्राम ओपन करने के बाद भी यहाँ पर भी जो फॉन्ट है आपको अप्लाई होता हुआ दिख जाता है। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चोको कुकी प्लस दोस्तों, हम लोग अब इस फ़ोन को अप्लाई करने वाले हैं। तो इस फ़ोन को भी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। उससे पहले अगर मैं आपको डायल पर दिखाता हूँ तो देख सकते हैं डायल पर में भी हमें यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यानी जहाँ जहाँ फ़ॉन्ट अप्लाई होता है, जहाँ जहाँ फ़ॉन्ट यूज़ होता है, सब जगह दोस्तों आपकी इसकी इफेक्ट देखने को मिल जाती है। और जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चोको कुकी प्लस प्लस या चोको कुकी, ये भी दोस्तों आप लोगों को सैमसंग वाली फ़ोन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पर भी जाएंगे अगर, तो व्हाट्सएप पर भी दोस्तों ये फ़ोन अप्लाई हो जाता है। तो जितने भी फ़ोन दोस्तों मैं आपको बताया हूँ, उस फ़ोन को अप्लाई करने में आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स वगैरह में जाएंगे, कंट्रोल सेंटर में जाएंगे, कहीं भी दोस्तों जाएंगे, सभी जगह आपको फोन अप्लाई हो जाता है। और फोन अप्लाई होने के बाद काफ़ी अच्छा लुक हमें देखने को मिल जाता है। फिर किसी एप्लीकेशन वगैरह को ओपन करेंगे, जहाँ भी दोस्तों आप ओपन करेंगे सब जगह फोन अप्लाई हो जाता है। तो गाइज ये रहे 6 फोन्स जो आपकी तरफ से रिकमेंड किया गया था। इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी कमेंट करते रहिए।